Okay, good morning, students, and welcome to the continuation lecture of antimicrobacterial drugs. I see that you are all not very punctual since students are still pouring in. So let's just take a few minutes to revise the previous lecture. In the meanwhile, everybody is going to be there, hopefully. Okay, so we started classifying antimicrobacterial drugs into two basic classes, first line agents and the second line agents. And I told you that there are four basic first line agents with a mnemonic RIPE: R for rifampin, I for isoniazid, P for pyrazinamide, and then E for ethambutol. And then later on we covered the first two drugs, which is isoniazid and rifampin. So let's just talk about isoniazid. जब आपने पढ़ना है या जब सीखना है तो इतनी अच्छी तैयारी होनी चाहिए कि ड्रग का नाम आपके सामने लिया जाए और आप इमीडिएटली जंप अप करो कि ये किस यूनिट से है और इसके बारे में क्या बेसिक बातें हैं जो आपको पता है. So if we talk about isoniazid, obviously isoniazid is the first line agent for anti-TB. And mechanism of action की जब बात करें तो one word mechanism क्या लिखोगे? One liner. What is the single simplest mechanism of action of isoniazid? अगर आपसे कोई कहे कि एक line में या एक लफ्ज में बता दें तो क्या बताएंगे? बेटा एक्टिवेट, मैंने कहा था सिर्फ एक लाइन में बताना है. अब आपने जो आंसर दिया है दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन अगर आपसे सिर्फ वन लाइन पूछी जाए, वन वर्ड मैकेनिज्म पूछा जाए, तो हमने उसमें एक्टिवेशन तो नहीं बतानी ना, उसमें तो बताना है कि ये एक्चुअली क्या कर रहा है. अगर आप प्रॉपर मैकेनिज्म लिखोगे तो आप स्टार्ट यही करोगे कि जी बैक्टीरियोसाइडल एजेंट है, एंटी टीबी ड्रग्स का फर्स्ट लाइन एजेंट है, इट इज एक्टिवेटेड बाय कैट जी जीन काइन, ये सब तो प्रीलूड है. एक्चुअल मैकेनिज्म अभी भी मिसिंग है. एक्टिवेट होके क्या करेगा? पूरा एक शाबाश. इनहिबिट्स माइकोलिक एसिड सिंथेसिस. सिंथेसिस का वर्ड मिसिंग है इसमें भी. इतना सा एटलीस्ट बेसिक हर स्टूपिड बच्चे को भी पता होना चाहिए दैट आइसोनाइजिड इनहिबिट्स माइकोलिक एसिड सिंथेसिस. और फिर जिस तरह से आप लोगों का अपना मेंटल कैलिबर ब्रॉड होता है, आप उस आंसर को जो है ज्यादा ब्रॉड करते चले जाते हो, उसमें और इन्फॉर्मेशन एड इन करते हो. इसके बाद आप लिखोगे कि माइकोलिक एसिड सिंथेसिस अगर इनहिबिट हो गई है तो क्या होगा? एग्जैक्टली, एंड अल्टीमेटली बैक्टीरियल सेल डेथ. आइसोनाइजिड के दो बेसिक एडवर्स इफेक्ट्स बताए थे मैंने, बाकी के सारे भी लिखने. इट्स नॉट दैट कि आपने सिर्फ दो ही याद रखने हैं, बट जो प्राइमरी टू एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ आइसोनाइजिड हैं वो कौन कौन से हैं? ओके, एक आया ना हेपेटाइटिस or hepatotoxicity, I presume. Fine, this is the most important adverse effect of isoniazid. Which is the second one? Because do to chalte phirte aana bahut zaruri hai. Anybody else? Ye jo 30 participants show ho rahe hain, to ye baki ke 29 kya kar rahe hain? But allergic reactions nahi, peripheral neuritis. Peripheral neuritis is the second most important adverse effect. बाकी के फिर आप एलर्जिक रिएक्शंस भी लिख सकते हो, हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लिख सकते हो, आपके सीएनएस डिजीजेज में और छोटी छोटी चीजें ऐड ऑन हो जाएंगी. लेकिन जो दो आपको हर वक्त आनी है चाहिए वो हैं हेपेटोटॉक्सिसिटी एंड पेरिफेरल न्यूराइटिस. और जैसे ही पेरिफेरल न्यूराइटिस का नाम लिया तो उससे लिंक्ड क्या चीज जहन में आई? व्हाट कम्स नेक्स्ट टू माइंड व्हेन यू से पेरिफेरल न्यूराइटिस? Come on, दिमागों के चिराग रगड़ें और जवाब निकालें. Otherwise, there is no point in me coming again and talking for hours about a drug. Vitamin B6 deficiency, right? जैसे ही peripheral neuritis का नाम जहन में आए, फौरन से आपके ब्रेन की वर्किंग, न्यूरॉन्स की चेन ऐसे चलनी चाहिए कि उससे नेक्स्ट लिंक चीज जहन में आए, vitamin B6 deficiency. अगर आप इस तरह से लिंक करके चेन रिएक्शन में पढ़ोगे तो एक तो ये कि आपके विट्स शार्प होंगे, दूसरा ये कि जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं वो सारे ऑलरेडी आपके माइंड में जंप अप कर जाएंगे. ओके, फॉरगेट अबाउट आइसोनाइजिड नाउ, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिफैम्पिन इन अ मिनट. रिफैम्पिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंड आई यूज द वर्ड आर फॉर रिफैम्पिन एंड आर फॉर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए. RNA what?
RNA synthesis. Exactly. Since rifampin inhibits RNA polymerase, so we are going to say that it blocks RNA synthesis. अगर one line answer होगा, MCQ में answer होगा या एक number का answer होगा, तो इतनी सी information भी काफी है. लेकिन अगर आपको properly डेढ़ दो number का answer लिखने के लिए आता है, तो फिर आप पूरा लिखोगे कि rifampin is a first line anti-TB agent. It blocks DNA-dependent RNA polymerase, ultimately leading to blockage of RNA synthesis. RNA synthesis block होगा, तो protein synthesis खत्म हो जाएगा. और प्रोटीन सिंथेसिस खत्म होगा तो आपकी बैक्टीरियल सेल फंक्शन खत्म होगा और सेल डेथ हो जाएगी. देन कमिंग टू द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ रिफैम्पिन. रिफैम्पिन का सबसे कॉमन एडवर्स इफेक्ट कौन सा है? चलो कॉमन को छोड़ो, सबसे इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट कौन सा है? ओके, फ्लू लाइक सिंड्रोम भी इंपॉर्टेंट है. फाइन. और इनफैक्ट कॉमन ज्यादा कहेंगे इसको, इम्पोर्टेंट से ज्यादा. इम्पोर्टेंट जरा स्वेयर वाले होते हैं. इम्पोर्टेंट कौन सा है? ओके, ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स. दो चीजें हो गई जो आपने आरएनए से रिफैम्पिन से रिलेटेड याद रखनी है. और तीसरी, जस्ट वन मोर, नो, नौजिया, वॉमिटिंग, रैश, ये तो सब जगह होता है. Which is the adverse effect which is common to all anti-TB drugs? But a light chain proteinuria bhi hota hai, bilkul theek hai. Lekin jisko main jo sunna chah rahi hu, wo bhi tak nahi aaya. Which is the adverse effect which is common to all anti-TB drugs? Anti-TB drugs are notorious for being hepatotoxic in nature. To jo hepatic adverse effects hain, वो सबसे ज्यादा अहम आपने याद रखने हैं. अब आना शुरू हुए ना आंसर्स रिलेटेड, हेपेटोटॉक्सिसिटी, हेपेटिक डिसफंक्शन, कोलेस्टेटिक जॉन्डस एंड ऑल. बहरहाल लिवर टॉक्सिसिटी को याद रखने हैं. और इसके काइनेटिक्स से रिलेटेड एक एडवर्स इफेक्ट उस दिन हमने डिस्कस किया था काफी डिटेल में, वो कौन सा था? जर्नल फार्माकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड रिफैम्पिन. एंजाइम इंड्यूसर है. एक्सेलेंट. तो अब ये तीन चार बातें आपको हर वक्त रिफैम्पिन से रिलेटेड, फॉरन नाम सुना रिफैम्पिन का तो जहन में ये सारी बातें आनी चाहिए. ठीक है, हेपेटोटॉक्सिसिटी आ गई, फ्लू लाइक सिंड्रोम आ गया, ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स आ गया, और ये कि ये एक स्ट्रॉन्ग एंजाइम इंड्यूसर है, जिसकी वजह से अगर पेशेंट कोई भी और ड्रग इसके साथ पैरेलल ले रहा होगा तो उस ड्रग का इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा, सिंस उसका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो गया. ऑलराइट, तो नाउ वी आर गोइंग टू जंप टू द नेक्स्ट ड्रग, अज्यूमिंग के 35 स्टूडेंट्स हमारे साथ रहेंगे आज. द नेक्स्ट ड्रग इन द फर्स्ट लाइन एंटी टीबी एजेंट्स इज गोइंग टू बी पाइरेजिनामाइड. पाइरेजिनामाइड, अब जैसे पहली दो जो ड्रग्स हैं ना, ये सबसे ज्यादा प्राइमरीली इंपॉर्टेंट थी. अगर आपको मैं टीबी की रिजीम के बारे में भी बात करूंगी तो उसमें भी आइसोनाइजिड और रिफैम्पिन पूरे 6 months हम देते रहते हैं. पहले प्रीवियसली टीबी का जो आप लोगों को ओल्ड आइडिया माइंड में होगा वो 9 months थेरेपी थी, बट अब जो लेटेस्ट थेरेपी है सिंपल टीबी की, मैं कॉम्प्लिकेटेड टीबी की बात नहीं कर रही, ट्यूबरकुलस मेनिनजाइटिस की बात नहीं कर रही, कोई सुपर इन्फेक्शन के साथ बात नहीं कर रही, एक सिंपल टीबी की जो रेजिम है, नाउ इट हैज बीन डिक्रीज्ड अप टू 6 months. और उन 6 months में हम आइसोनाइजेड और रिफैम्पिन पूरे 6 months के लिए देते हैं. वेयर एज जो पहले 2 months होते हैं, जिसको हम इंटेंस थेरेपी कहते हैं या इंटेंसिव पीरियड कहते हैं, उसमें हम पाइरेजिनामाइड और एथैम्बिट्रोल भी साथ दे देते हैं. तो हम यूजुअली क्या करते हैं, इसको समराइज इस तरह करते हैं, दैट 4 drugs फॉर 2 months एंड देन 2 drugs फॉर 4 months. पहले 2 महीने चारों के चारों फर्स्ट लाइन एंटी टीबी एजेंट्स दे देंगे और उसके बाद नेक्स्ट 4 months के लिए पाइरेजिनामाइड और एथैम्बिट्रोल को बीच में से एलिमिनेट कर देंगे और सिर्फ आइसोनाइजेड और रिफैम्पिन के साथ कंटिन्यू करेंगे. बिकॉज इट इज बीइंग सेड दैट पाइरेजिनामाइड और एथैम्बिट्रोल जो है वो कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिविटी में या उसके ड्यूरेशन के अंदर कोई बहुत ज्यादा खास रोल प्ले नहीं करता. सिर्फ इसलिए इसको इंटेंसिव पीरियड में यूज किया जाता है, जस्ट टू अवॉइड इमरजेंस ऑफ रेजिस्टेंस. तो थोड़ा सा एब्सोल्यूट कंट्रोल के लिए इसको एड ऑन करते हैं, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी पे इसका और एथैम्बिट्रोल का कोई खास रोल नहीं है. ओके, पाइरेजिनामाइड के बारे में सिंपल सा आंसर, पाइरेजिनामाइड इज एक्टिवेटेड इन एसिडिक कंडीशंस. और उसके बाद फिर क्या होता है, एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी भी बुक्स जो हैं they are not sure about the exact mechanism of action, but this simply says ke ye body ke andar jaake somehow kuch aisa karta hai ki cell membrane structure ko disrupt karta hai. Actual mechanism is still unclear. pH change ho jati hai, cell membrane disrupt ho jati hai, metabolic transport functions disrupt ho jate hain. So the good news is
that you are almost never going to get a question on mechanism of action of pyrazinamide. जिन चीजों के बारे में किताबें लिखती हैं कि it's not just sure, yet it's not clear, किसी एक आध बुक में mechanism mentioned होता है, but वो भी hypothetical mechanism होता है, तो ऐसे जो ड्रग्स होते हैं उनके ऊपर यूजुअली अंडरग्रेड्स को क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है. बस हमें उसका नाम इम्पोर्टेंटली याद रखना है और उसके बाद पैराजिनामाइड से रिलेटेड भी हमने उसके एडवर्स इफेक्ट्स याद रखने. अगेन क्योंकि हम ये बात भी पहले करके हटे हैं दैट ऑल द फर्स्ट लाइन एंटी टीबी एजेंट्स आर हेपेटोटॉक्सिक इन नेचर, तो इसलिए इसके भी आपके एडवर्स इफेक्ट्स में या अनटूवर्ड इफेक्ट्स में हेपेटिक नेक्रोसिस हो सकता है, इंजरी टू लिवर और डीरेंज लिवर फंक्शन टेस्ट, कुछ भी. तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम फ्रीक्वेंटली जो है LFTs करवाते हैं, नॉट जस्ट विद पायराजिनामाइड बट विद ऑल द एंटीटीबी ड्रग्स. आप इंटरवल्स पे उसके LFTs चेक करोगे जस्ट टू सी कि नहीं वो बहुत ज्यादा नॉर्मल रेंज से बाहर ना चले जाएं, बहुत ज्यादा डीरेंज ना हो जाएं. हेपेटोटॉक्सिसिटी के बाद जो दूसरी चीज आपने इससे रिलेटेड याद रखनी है वो है हाइपर यूरिसीमिया. तो नाउ यू वी हैव एस्टैब्लिश्ड दैट हेपेटोटॉक्सिसिटी इज कॉमन टू ऑल. और उसके अलावा वाले में आइसोनियाज़िड में आपने पेरिफेरल न्यूराइटिस याद रखा, रिफैम्पिन में आपने डिसकलरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स अलोंग विद फ्लू लाइक सिंड्रोम याद रखा, और पायराजिनामाइड के साथ आप आकर हाइपर यूरिसीमिया याद रखोगे. द बुक्स आर गोइंग टू से इथैम्बिटॉल भी हाइपर यूरिसीमिया कॉज करता है, लेकिन जब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चीज आएगी तो यूजुअली हाइपर यूरिसीमिया इज गोइंग टू बी लिंक्ड विद पायराजिनामाइड. इथैम्बिटॉल का हाइपर यूरिसीमिया इधर इट्स नॉट दैट कॉमन और इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, लेकिन क्वेश्चन में हमेशा पायराजिनामाइड रिलेटेड हाइपर यूरिसीमिया आता है. यानी अगर पेशेंट ऑलरेडी गाउट का पेशेंट है तो उसमें जो माइनर फ्लक्चुएशन भी आती है यूरिक लेवल्स के अंदर वो भी उसके लिए टॉक्सिक साबित हो सकती है. इफ मी एंड यू आर टेकिंग पायराजिनामाइड तो हो सकता है कि जो माइनर चेंजेस ऑफ फ्लक्चुएशन इन यूरिक लेवल है वो हमें कोई डिस्टर्ब ना करे. हम लोग ऑलरेडी एक नॉर्मल रेंज में चल रहे होते हैं, उसमें अगर 0.1, 0.2 और इवन 1 तक का भी अगर फर्क आ जाए तो कोई क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आता. बट अगर एक पेशेंट ऑलरेडी डायग्नोज्ड है गाउट के साथ, सफर कर रहा है गाउट के साथ, गाउट आई होप यू ऑल नो व्हाट इज गाउट. Do you? Okay, so you know what is gout. तो अगर पहले ही पेशेंट को गाउट हुआ हुआ है तो उस पेशेंट के अंदर माइनर फ्लक्चुएशन भी जो है वो डिजीज एग्जेसरबेशन कॉज कर सकती है, ठीक है. इसलिए हम कहते हैं कि गाउट के पेशेंट्स में हाइपर यूरिसीमिया ज्यादा नोटोरियसली इंपॉर्टेंट है. फाइन, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दीज टू बेसिक थिंग्स अबाउट पायराजिनामाइड. एक तो ये कि ये फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज नॉट वेरी क्लियर, बट सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रप्शन के साथ रिलेटेड है, एंड देन आपने उसके एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर हेपेटोटॉक्सिसिटी और हाइपर यूरिसीमिया प्राइमरीली याद रखना है. उसके बाद जो छोटी छोटी चीजें हैं उसमें आपके आर्थ्रेल्जियास, फोटोसेंसिटिविटी, नोजिया, वॉमिटिंग, मलेज, फीवर, डिस्यूरिया, वो आपको बुक में मिल जाएंगे. तो सेलेक्ट 3 to 4 adverse effects for each drug, at least 3 to 4 adverse effects. ताकि जब भी आपको enumerate करने के लिए आए और जो 4 adverse effects आप select करते हो हर drug के लिए उसमें जो primary वाले या important वाले होते हैं उनको याद रखना mandatory है. बाकी के तो आप तुक्के भी लगाओगे तो वो common हो ही जाते हैं, कोई ना कोई बीच में से पसंद आ ही जाता है examiner को. So just focus on the important or specific adverse effects to that drug. माइनर वाले सेंस बुक्स में से बच्चे पढ़ लेते हैं तो मैं उस पर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज नहीं कर रही होती क्लास में. ओके, एंड नाउ द फोर्थ एनटीटीबी ड्रग वी हैव व्हिच इज इथैम्ब्यूटॉल. इथैम्ब्यूटॉल के बारे में जो बात हमने याद रखनी है उसमें जो लिंक हमने याद रखना है वो ये है ई फॉर इथैम्ब्यूटॉल एंड ई फॉर आय. जैसे हमने आर के साथ याद रखा था आर फॉर रिफैम्पिन एंड देन आर फॉर आरएनए सिंथेसिस, सिमिलरली इथैम्ब्यूटॉल. और ये लेकिन मैकेनिज्म का लिंक नहीं है, मैं जो लिंक या जो आपको एसोसिएशन बता रही होती हूँ ना वो उसकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से बताती हूँ या उसके यूनिवर्सिटी क्वेश्चन रेलिवेंस के हिसाब से बताती हूँ. यस आई एग्जैक्टली आंख, यू आर एब्सोल्युटली राइट. अभी पता चलेगा कि क्यों. क्योंकि मैकेनिज्म की रेलिवेंस से या आप एक्शन की रेलिवेंस से हम ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं कि आइसोनियाज़िड और रिफैम्पिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जो एडिशनल ड्रग्स हैं वो यूजली आपसे MCQs में या फिर एडवर्स इफेक्ट्स के हवाले से या जो भी उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके हवाले से पूछी जाती है. या मेरा एक सिंपल फॉर्मूला है चीजें याद रखने का कि आपने जब भी कोई ड्रग आपके सामने बोली गई व्हाट शुड कम टू योर माइंड, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग द कॉमन पर्सन फॉर एग्जाम, वी आर प्रिपेयरिंग अ कॉमन प्रैक्टिशनर, वी आर प्रिपेयरिंग अ कॉमन डेंटल सर्जन.
और उसको जाहिर है हर चीज हर वक्त नहीं आनी चाहिए, लेकिन कुछ ड्रग्स के बारे में, कुछ बेसिक चीजों के बारे में जो इंतहाई बेसिक इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो एटलीस्ट उस बच्चे को हर टाइम आनी चाहिए। सो इथैनबिट्रोल से रिलेटेड आए, ये मुझे थर्ड ईयर में हमारे टीचर्स ने बताया था, एंड आई स्टिल यूज दैट थिंग बिकॉज जब भी मेरे सामने इथैनबिट्रोल का नाम लिया जाता है इट क्विकली ब्रिंग्स टू माइंड आई डिजीजेस, राइट, बिकॉज इसके एडवर्स इफेक्ट्स में आई डिस्टर्बेंसेज इंपॉर्टेंट है। ओके, सो पहले उसके मैकेनिज्म पे हम बात करेंगे। इट इनहिबिट्स arabinosyl transferase thereby inhibiting the synthesis of arabinoglycan ya arabinogalactan. jis tarah se mycolic acid aapke cell wall ka component hai mycobacteria mein, similarly aapke cell wall and cell membrane mein arabinoglycan bhi mycobacteria ke cell wall cell membrane ka component hai. mycolic acid ki synthesis ko inhibit kar rahi thi aapki isoniazid, aur arabinoglycan ki synthesis ko inhibit kar rahi hai aapki ethambutol. किस तरह से कर रही है वो arabinosyl transferase एंजाइम को ब्लॉक करेगी, जब एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा तो नेचुरली arabinoglycan बायोसिंथेसिस और पॉलीमराइजेशन जो है वो इनहिबिट हो जाएगी। और अगर इस पे एमसीक्यू आया तो वो इस तरह से आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टारगेट साइट फॉर इथैनबुटोल। टारगेट साइट का जब वर्ड यूज करते हैं तो क्या जहन में आता है जी? आई एम लुकिंग एट द चैट बॉक्स वेटिंग फॉर आंसर्स। हाँ, टू सम एक्सटेंट यू आर राइट, रिसेप्टर, फाइन। अब जाहिर है हर ड्रग का रिसेप्टर जो है वो बिल्कुल जनरल फार्माकोलॉजी के रिसेप्टर की तरह नहीं होता, बल्कि बॉडी में जिस जगह पे जाके उस ड्रग ने लगना है, जिस चीज के ऊपर उसने अटैक करना है, उसको हम टारगेट साइट कहते हैं। तो एक्चुअली ये arabinoglycan की सिंथेसिस को तो ब्लॉक कर रहा है, लेकिन ये टारगेट किसको कर रहा है इस सिनेरियो में? किसको टारगेट कर रहा है? एंजाइम को। तो अगर आपको टारगेट साइट पूछी जाएगी, this is how you have to approach your MCQ. उसकी इंग्लिश को इंटरप्रेट करना, उसके कोड वर्ड्स को डी कोड करना अगर आपको आ जाए तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर आपका टारगेट साइट एक्चुअली क्या है? arabinosyl transferase 3, क्योंकि जब वो ब्लॉक होगा तो उसके बाद arabinoglycan बायोसिंथेसिस और पॉलीमराइजेशन ब्लॉक होगी, which in turn disrupts the assembly of your mycobacterial cell wall and cell membrane. इसकी जेनेटिक लेवल की बातें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपके लेवल पे सिर्फ आइसोनियाज़िड की रेजिस्टेंस को पढ़ लेना काफी है, ये सब बातें एडिशनल है। ट्राई टू मिनिमाइज योर इंफॉर्मेशन, जितना रेलेवेंट इंफॉर्मेशन याद रखोगे उतनी प्रोबेबिलिटी एग्जाम क्लियर करने की ज्यादा है आपके लिए, और जितना आप इररेलेवेंट बातों पे अपना ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स और न्यूरॉन को वेस्ट करोगे तो देयर इज अ हाई चांस के प्रॉफ में जाके इंपॉर्टेंट बातें भी माइंड से एस्केप कर जाएंगे, ठीक है? तो ये चीजें इसके साथ याद रखनी है। Which reminds me कि आपके सप्ली एग्जाम की कोई लेटेस्ट अपडेट आई है? We heard कि फाइनल ईयर का तो हो रहा है, तो आप लोगों का अभी कोई सीन नहीं है दोबारा से? Okay, that's bad. किसने सोचा होगा जब सप्ली आई थी तो खुदा ना खास्ता next 6 months we are going to hang with that supply in the air. So it's better not to have supply at all. ओके, काइनेटिक्स जो है दैट आर नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट फॉर यू पीपल, सो वी आर डायरेक्टली गोइंग टू जंप अप ऑन टू द एडवर्स इफेक्ट्स। वेरी फ्यू सीरियस एंटीवर्स रिएक्शंस, ई फॉर इथैनबुटोल, ई फॉर आई, मतलब आई के अंदर ये एडवर्स इफेक्ट शो करती है, और वो कौन कौन से होंगे? विजुअल एक्विटी डिस्टर्ब हो जाएगी, रिट्रोबल्बर न्यूराइटिस हो जाएगा, कुछ बुक्स आपके रिट्रोबल्बर न्यूराइटिस को ऑप्टिक न्यूराइटिस के नाम से भी लिखती है, तो बोथ आर करेक्ट। और इसके अलावा रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो आप देखो कि इसके जो तीनों इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट्स हैं ये आई से रिलेटेड हैं। इन एडिशन टू दैट, बाकी की बातें तो हमें ऑलरेडी पता ही हैं कि इसके अलावा हमें प्रोराइटिस, जॉइंट पेन, मलेज, हाइपर यूरिसीमिया, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि वो भी इसके साथ होता है, एंड टू सम एक्सटेंट आपको हेपेटिक टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। बट स्ट्रेंजली इनफ इथैनबुटोल की हेडिंग के अंदर बुक्स हेपेटोटॉक्सिसिटी मेंशन नहीं करें। कॉमनली ये हमेशा कहा जाता है दैट ऑल द एंटी टीबी ड्रग्स आर हेपेटोटॉक्सिक इन नेचर, बट बाय सम चांस द बुक्स आर नॉट मेंशनिंग हेपेटोटॉक्सिसिटी अंडर द हेडिंग ऑफ इथैनबुटोल। जी जी बिल्कुल, ऑप्टिक न्यूराइटिस कहा है, आंखों से हवाले से बात हो रही हो, ऑप्टिक नर्व की इन्फ्लेमेशन हो जाए, ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकता है, जो आपका बल्ब होता है ऑप्टिक नर्व का
उसकी बिहाइंड अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम रिट्रो बल्बर न्यूराइटिस कहते हैं। तो बात तो एक ही हो गई ना, इट डिपेंड्स कि आप उसको कैसे एड्रेस करते हो या किस तरह से नेम अप करते हो। ओके, तो दिस इज इनफ अबाउट एथाम्बिट्रॉल। तो अभी हमने क्या डिटरमिन किया है, दैट एथाम्बिट्रॉल इनहिबिट्स एरेबिनोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम लीडिंग टू इनहिबिशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ एरेबिनोग्लाइकन एंड डिस्ट्रप्शन इन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। और उसके बाद डायरेक्टली हमने उसके एडवर्स इफेक्ट्स में जो चीज याद रखनी है, दैट इज योर आई डिजीजेस, विजुअल एक्विटी डिस्टर्ब हो जाएगी, रिट्रोबल्बर न्यूराइटिस हो जाएगा, और इसके अलावा रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी। यही वजह है कि छोटे बच्चों के अंदर एथाम्बिट्रॉल नहीं दी जाती, एंड दिस इज ऑल्सो एन एमसीक्यू कि बच्चों में एथाम्बिट्रॉल क्यों नहीं दी जाती। अब मैंने आपको बता दिया कि बच्चों में नहीं दी जाती, क्या चीज जहन में आएगी क्यों नहीं दी जाती? जी अच्छा, तुक्का अच्छा है, मतलब यू मेड अ गुड एजुकेटेड गेस, बट आंसर इज नॉट कम्प्लीटली करेक्ट। जब भी हम किसी ड्रग के बारे में ये बात करते हैं कि दिस इज नॉट बीइंग यूज्ड इन चिल्ड्रन, तो सबसे पहले जहन में ये चीज आती है कि कोई ऐसी एबनॉर्मैलिटी वो कॉज कर देती है जो परमानेंट डैमेज कॉज कर दे, या हम टेरेटोजेनेसिटी को फोकस करते हैं, या हम बोन्स के डिजीजेस को फोकस करते हैं, क्योंकि अर्ली एज में बोन्स अभी ग्रो कर रही होती हैं, ब्रेन भी अभी ग्रो कर रहा होता है, तो परमानेंट डैमेज ना आपकी ड्रग कॉज कर दे। यूजुअली यही कॉजेज होती हैं किसी भी ड्रग के चिल्ड्रन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होने में, लेकिन इसका स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। ये इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि बच्चों में हम विजुअल एक्विटी को टेस्ट नहीं कर सकते। विजुअल एक्विटी आपने कभी अभी आईसाइट भी चेक कराने जाओ तो आपने आइडिया होगा आपको कि वो किस तरह से आपको जज करवाया जाता है, किस तरह से आपसे रीड करवाया जाता है, किस तरह से एग्जामिन कराया जाता है। तो बच्चा जो होता है, द स्मॉल चिल्ड्रन, दे आर incapable of telling the difference, the actual difference in their visual acuity. ठीक है, ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता ये कोई irreversible change cause कर देती है, but adults में ये होता है कि जैसे ही आपको कोई eye disturbance आना शुरू होती है, adverse effect का ये मतलब नहीं है कि ये लाजमी आएगा। adverse effect का मतलब तो ये है कि ये आ सकता है। तो basically आपने जैसे ही कोई adverse effect आता है, we assume कि अब हम ये drug जो है ये तंग कर रही है, और depend करता है कि वो किस level का एडवर्स इफेक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली हम फिर उसको जो है या तो चेंज कर देते हैं या फिर उसकी डोज को रीएडजस्ट कर देते हैं। एग्जैक्टली, तो क्योंकि चिल्ड्रन आर इनकेपेबल ऑफ टेलिंग द चेंज इन देयर विजुअल एक्विटी, सो एथाम्बिट्रॉल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चिल्ड्रन। और वैसे भी मैं ये बात आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एथाम्बिट्रॉल डज नॉट एड मच टू द एंटी टीबी थेरेपी। हमारा पहली तीन ड्रग्स के साथ भी बहुत अच्छा गुजारा हो रहा था। एथाम्बिट्रॉल जस्ट हमने सेफ्टी पर्पजेस के लिए एड की थी कि अगर किसी में कोई पार्शियल टाइप की, कोई थोड़ी बहुत भी रेजिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी हो टू आइसोनाइजर या रिफैम्पिन, तो उसको ये कवर अप कर ले। अदरवाइज आपने देखा कि ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट में कोई खास फर्क एथाम्बिट्रॉल की प्रेजेंस से नहीं आ रहा। बट अ रीजन रिपीट कर रही हूँ, फिर सुन लें, दैट इन चिल्ड्रन इट्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिकॉज इन चिल्ड्रन यू कैन नॉट चेक द विजुअल एक्टिविटी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर बंदा जिसको हम एथाम्बिट्रॉल दें उसमें आए टॉक्सिक इफेक्ट्स आ जाएं, लेकिन अगर एडल्ट्स में थोड़ा माइनर चेंज भी आता है आए कि विजुअल एक्विटी में, तो वी कैन टेल। और उसके बाद फिर हम ड्रग को या तो स्टॉप कर देते हैं या उसकी डोज को रीएडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन सिंस चिल्ड्रन कैन नॉट टेल द डिफरेंस इन देयर विजुअल एक्विटी, वी कैन नॉट चेक द विजुअल एक्विटी इन द चिल्ड्रन, तो इसलिए हम यूजुअली अवॉइड करते हैं एथाम्बिट्रॉल को बच्चों में यूज करने से। ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स वाली बात आ गई ना, कि इसके फायदे कम हैं बच्चों में, नुकसान ज्यादा है। बड़ों में भी हम कह रहे थे कि ये कोई बहुत मैंडेटरी ड्रग नहीं है। वो ड्रग्स जो बहुत मैंडेटरी होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उनके टॉक्सिक इफेक्ट्स को भी हम इग्नोर कर देते हैं फिर, क्योंकि हमें उसके फायदे जो होते हैं दे आर यूजुअली आउटवेइंग द एडवर्स इफेक्ट। बट इन केस ऑफ एथाम्बिट्रॉल एंड स्पेसिफिकली इन चिल्ड्रन, द एडवर्स इफेक्ट्स आर आउटवेइंग द एडवांटेजेस, तो इसलिए फिर हम उसको अवॉइड करना प्रेफर करेंगे ऐसे किसी भी सिनेरियो में। ओके, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आई टोल्ड यू द अदर डे दैट इट इज स्टिल बीइंग डिबेटेड। हाफ ऑफ द बुक्स आर कोटिंग इट इनटू फर्स्ट लाइन एजेंट्स, व्हाइल द रिमेनिंग हाफ आर कोटिंग इट इनटू द सेकंड लाइन एजेंट्स। प्रीवियसली सबसे पहली एंटी टीबी ड्रग की जब रिजीम्स आई थी तो यही थी हमारे पास। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसकी एडवर्स इफेक्ट्स क्योंकि बहुत ज्यादा थे, न्यूरोटॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी,
तो इससे बेहतर ड्रग्स जब हमें मिलना शुरू हो गई तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की इंपॉर्टेंस जो है वो डिक्रीज हो गई। स्ट्रेप्टोमाइसिन की डिटेल्स हम आपको टीबी के साथ नहीं पढ़ाते बेटा, ये एमाइनोग्लाइकोसाइड्स के टॉपिक में प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स के अंडर आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हो, या अगर अभी आपका नहीं भी सीक्वेंस में आया तो आप इन फ्यूचर पढ़ लोगे। सिर्फ आपने टीबी के अंदर इससे रिलेटेड ये बात रखनी है, माइसिन नाम के साथ लिखा हुआ है तो एमाइनोग्लाइकोसाइड्स आप रिकग्नाइज करते हो, जिसमें बाकी की सारी इस तरह की ड्रग्स हैं, टोब्रामाइसिन, एमिकासिन एंड ऑल दोज ड्रग्स, तो आपको नाम से फौरन आइडिया हो जाएगा कि स्ट्रेप्टोमाइसिन इज एन एमाइनोग्लाइकोसाइड और मैकेनिज्म नेचुरली प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन ही है। टीबी के रेफरेंस से ये सब चीजें नहीं पूछी जाएंगी, टीबी के रेफरेंस से आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि प्रीवियसली दिस वॉज द फर्स्ट लाइन एजेंट इन द रिसेंट टाइम्स। अच्छा कुछ अभी क्योंकि ये डिबेटेबल चल रहा है सिनेरियो, तो अगर आप इसको फर्स्ट लाइन में भी बिल्कुल एंड में एन्यूमरेट कर दोगे तो कुछ नहीं होगा, और अगर आप इतने इंटेलिजेंट है कि आपको मेरी ये बात याद रहती है तो आप इसको मेंशन करके तो आगे ब्रैकेट में ये लिख सकते हो कि फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन इसमें भी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है। ठीक है, अब दोबारा से कह रहे हैं कि क्योंकि आइसोनियाज़िड रिफैम्पिन जो है उसकी रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो गई है, तो दोबारा से स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। द गुड थिंग इज कि जब हेपेटोटॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है आइसोनियाज़िड और रिफैम्पिन से, कोई ऐसा पेशेंट है जिसका लिवर ऑलरेडी डैमेज है, तो उस सीवियर डैमेज तो लिवर के अंदर नेचुरली हम आइसोनियाज़िड और रिफैम्पिन के साथ प्रोसीड नहीं कर सकते, तो उस सिनेरियो में हमें स्ट्रेप्टोमाइसिन याद आ जाती है। वरना अगर हम स्ट्रेप्टोमाइसिन की इटसेल्फ बात करें तो क्योंकि ये सीवियरली ऑटोटॉक्सिक और नेफ्रोटॉक्सिक होती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड ऑटोटॉक्सिक? आई सेड ऑटोटॉक्सिक, इकरा के अलावा बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? This is not a FM radio station जहाँ पे आप सिर्फ listening से काम चलाओ. You'll have to participate. जी, what is ऑटोटॉक्सिसिटी? Okay, toxicity to the ear. OTO वाला ऑटो है, प्लीज डोंट राइट AUTO, अभी भी बहुत से बच्चे इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं पेपर के अंदर। तो इसकी इतनी सीवियर डैमेज होता है टू द वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व और ये परमानेंट नर्व डैमेज में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली नेफ्रोटॉक्सिसिटी जो कि आपकी किडनीज को डैमेज करती है, ये दोनों एडवर्स इफेक्ट्स इतने सीवियर है स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ कि अब स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है इवन बैक्टीरियल डिजीजेस में भी यूज नहीं होती। When we were children, तो सेप्ट्रॉन के नाम से तो आपके पास वो सल्फोनामाइड्स वगैरह आ रहे थे, इसी तरह स्ट्रेप्टोमाइसिन भी बहुत ज्यादा यूज हो रही थी, बट अब रिसेंट ईयर्स में ना तो सल्फोनामाइड्स यूज हो रहे हैं और ना ही स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज हो रही है, हमारे पास इन्हीं के बेटर कंजीनर्स प्रेजेंट हैं। टीबी में however, जब हेपेटोटॉक्सिसिटी वाला इशू आ रहा हो फर्स्ट लाइन एजेंट्स के साथ, तो उस सिनेरियो में हम स्ट्रेप्टोमाइसिन के ऊपर जंप कर सकते हैं अगेन। ठीक है जी, to just summarize the mechanism of action of your anti-TB drugs, कि किस तरह से कहाँ कहाँ act करती हैं, ये right side पे अगर आप नीचे देखो, isoniazid और ethionamide, अब यहाँ पे इस diagram में first line, second line दोनों के बारे में बात हो रही है, और मैंने जब आपको उस दिन second line agents enumerate कराए थे, तो मैंने ये बात mention की थी कि second line agents पे detailed question आपको hopefully नहीं आता, लेकिन अगर कभी किसी से पूछ भी लिया, तो आपको ये basic बात पता होनी चाहिए कि isoniazid और ethionamide एक तरह behave करते हैं, रिफैम्पिन जो कि फर्स्ट लाइन एजेंट है वो और उसके सिमिलर सिस्टर्स रिफाब्यूटीन एंड रिफापेंटीन एक तरह बिहेव करते हैं, जिसमें रिफैम्पिन फर्स्ट लाइन में फॉल करता है और ब्यूटीन और पेंटिन जो है वो सेकेंड लाइन एजेंट्स हैं। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। इस डायग्राम से हमें पता चल रहा है दैट आइसोनियाज़िड एंड एथियोनामाइड बोथ इनहिबिट द माइकोलिक एसिड सिंथेसिस, एथैम्बुटोल जो है वो सेल वॉल सिंथेसिस में अरेबिनोग्लाइकिन की सिंथेसिस को ब्लॉक कर रहा है, और पाइरिज़िनामाइड में भी हमने कहा था कि कहीं ना कहीं सेल मेम्ब्रेन डिसरप्शन चल रही है जिसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी प्रॉपरली नोन नहीं है। और फिर इसी डायग्राम के टॉप पर आ जाओ, उसके अंदर अब ये पहली सारी चीजें तो ये हुई कि हमने सेल वॉल को डैमेज किया, सेल वॉल को डैमेज करने के बाद हम बैक्टीरियल सेल के अंदर चले गए और वहां जाके हमारी फर्स्ट लाइन एजेंट रिफैम्पिसिन ने आरएनए सिंथेसिस को ब्लॉक किया। सिमिलरली स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि प्रीवियसली हमारी फर्स्ट लाइन एजेंट थी, उसने 30S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ अटैच होके उसने भी प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक किया। और फिर हमारे पास ये बाकी के सेकेंड लाइन एजेंट्स हैं जिसमें आपके फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं, फ्लोरोक्विनोलोन्स में आपके सिप्राफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, ये सेकेंड लाइन एजेंट्स में मैंने आपको सैटरडे को एन्यूमरेट करवाए थे, वो प्रोटीन सिंथेसिस को भी छोड़ के
डायरेक्टली डीएनए सिंथेसिस पे एक्ट करना शुरू हो गए और उन्होंने डीएनए सिंथेसिस ब्लॉक कर दिया. एंड देन वी हैड आवर मैक्रोलाइड्स जिसमें आपके क्लेरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन जो आजकल आप एजोमैक्स के नाम से बहुत ज्यादा कॉमनली सुन भी रहे हैं वो आपके मैक्रोलाइड्स हैं. रियलिटी को थ्योरी के साथ कोरिलेट करना सीखें. अब आजकल आप लोगों में से एवरी अदर पर्सन हैज बीन टेकिंग एजोमैक्स ली होगी डेफिनेटली. कोरोना हुआ तब भी अगर खुदा ना खास्ता नहीं हुआ तो उस सिनेरियो में भी आपको प्रोफाइलेक्टिकली जरूर उन्होंने एजोमैक्स दी होगी. तो दैट एजोमैक्स इज एक्चुअली एजिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन इज वन ऑफ द मैक्रोलाइड्स जिसकी सिस्टर ड्रग क्लेरिथ्रोमाइसिन आप क्लेरिसुट के नाम से बहुत से थ्रोट इन्फेक्शन के लिए खा चुके होंगे. ठीक है ना. तो इस तरह से जब हम उसको रियलिटी के साथ लिंक करके याद रखते हैं तो फिर हमें हमेशा याद आ जाता है कि इस ड्रग का एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है. एंड बिलीव मी डिफिकल्ट तो जरूर है बट फार्माकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज दिस इज क्लोजेस्ट टू मेडिसिन. और हम में से जो भी लोग चाहे वो डेंटिस्ट्री में आए चाहे वो MBBS करने के लिए आए प्राइमरीली जो शॉक दिमाग में होता है वो ट्रीटमेंट होता है. तो ट्रीटमेंट जो है हमेशा उसके लिए जो एक बेसलाइन नॉलेज है वो आपको मेडिसिन प्रोवाइड करती है और मेडिसिन के साथ साथ फार्माकोलॉजी प्रोवाइड करती है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हमें ट्रेड नेम्स नहीं आते जो मार्केट में नए नए ब्रांड नेम्स आ रहे होते हैं नेचुरली वो मेडिसिन की प्रैक्टिस करने वालों को बेहतर पता होते हैं लेकिन एग्जैक्टली किस ड्रग की वजह से क्या परेशानी पेशेंट को हो रही है कौन सी ड्रग को एलिमिनेट करेंगे तो कौन सा टॉक्सिक इफेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा ये सारी चीजें वी कैन इवन जज बेटर देन द पीपल हु आर वर्किंग इन मेडिसिन. ठीक है. तो फार्माकोलॉजी से बहुत सा डॉक्टरी का शौक पूरा हो सकता है अगर हमने इसको इम्पोर्टेंस देके पढ़ा हो तो. ओके दैट सम्स अप योर फर्स्ट लाइन एजेंट. स्ट्रेप्टोमाइसिन मैंने आपको फर्स्ट लाइन के एंड में बता दी और कहा कि वो रिसेंटली सेकेंड लाइन में चली गई है. नाउ अनदर UQ. Why second line agents are used? What is the rationale of using second line anti-TB drugs? First line हमने उस दिन बात की थी वो drugs जो किसी भी disease के लिए सबसे पहले use होती हैं. तो जब हमारे पास वो मौजूद हैं तो second line क्यों use करेंगे? ये बहुत बच्चों जैसी बातें होती हैं but ये exactly इसी तरह paper में question आ जाया करता है. What is the reason of using second line agent? In what situation do you use second line agent? What is the rationale of using second line anti-TB drugs? ठीक है. तो जाहिर है फर्स्ट लाइन में कोई परेशानी होगी तो सेकंड लाइन में जाएंगे ना. बिल्कुल. हमने आई थिंक कि उस दिन वाले लेक्चर में थोड़ा बहुत इस बारे में बात की थी. इन केस व्हेन देयर इज रेजिस्टेंस टू फर्स्ट लाइन एजेंट्स इन केस व्हेन देयर इज फेलियर ऑफ क्लिनिकल रिस्पॉन्स टू योर कन्वेंशनल थेरेपी. कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल थेरेपी जो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं. और इफ देयर आर सीरियस ट्रीटमेंट लिमिटिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन. जैसा कि मैंने अभी कहा कि अगर किसी को सोवेयर हेपेटोटॉक्सिसिटी चल रही है आइसोनाइजिड और एफएमपिन यूज नहीं हो सकती तो देन वी आर गोइंग टू कम टू द सेकंड लाइन एजेंट्स. फिर हम स्ट्रेप्टोमाइसिन या आपकी क्लेरिथ्रोमाइसिन या वॉट एवर द डॉक्टर सिलेक्ट्स. सो ये वो तीन सिचुएशंस हैं जिसमें हम फर्स्ट लाइन को छोड़ के सेकेंड लाइन में जंप करते हैं. एंड दिस इज अ यूनिवर्सिटी क्वेश्चन. इथियोनामाइड कोई डिटेल में नहीं जाना. जहां आपकी बुक में आइसोनाइजिड लिखा हुआ है उसके साथ ब्रैकेट में लिख लो कि इथियोनामाइड इज सिमिलर. दैट्स इनफ. इससे ज्यादा इथियोनामाइड के बारे में आपने कोई डिटेल याद नहीं रखनी. इसके साथ भी वही पेटोटॉक्सिसिटी है वही पेरेडॉक्सिन को एडमिनिस्ट्रेशन है. देन वाई वेस्ट एनर्जी. सिंपली आप आइसोनाइजिड के साथ ब्रैकेट में ये बात मेंशन कर लें कि इथियोनामाइड बिहेव्स सिमिलरली और इथियोनामाइड सेकेंड लाइन में आती है जबकि आइसोनाइजिड हमारी फर्स्ट लाइन में आ रही है. Then capreomycin, as the name indicates, mycin लगा हुआ है जैसे streptomycin है वैसे ही capreomycin है तो naturally ये भी protein synthesis inhibitor है nephrotoxic है ototoxic है. इससे ज्यादा कोई भी बात capreomycin के बारे में हमसे नहीं पूछी जाती. वैसे ही मैंने कहा था कि second line agent पे question बहुत rare है apart from just the enumeration. नाम आने चाहिए और rationale for use आना चाहिए कि क्यों use कर रहे हैं हम. ठीक है. इसके अलावा details में हम नहीं जाते. साइक्लोसी और सेकेंड लाइन में जितनी भी ड्रग्स हैं वो आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं. साइक्लोसीरीन जो है वो आपने सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर में जहाँ पे पेनिसिलिन और सेफलोस्पोरिंस पढ़े थे उस टॉपिक में एंड में एक छोटे से पैराग्राफ में डिस्कस की होगी. बस इतना याद रखना काफी है दिस इज अ सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर. अगर इतना भी याद नहीं रखो आई डोंट माइंड. जो कॉमन वाली सेकेंड लाइन एजेंट्स हैं बस वो आप याद रख लें. इट्स इम्पॉसिबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है. देन योर अमाइनो सैलिसिलिक एसिड ये आपके सल्फोनामाइड्स के साथ फोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर है. सिमिलरली वही सेम वही स्टोरी आएगी जो सल्फोनामाइड्स में थी.
structurally similar to para-aminobenzoic acid and to the sulfonamides. So, baki sari story sulfonamides ka bhi. क्योंकि सल्फोनामाइड इटसेल्फ तो आपने पढ़ने हैं ना, वो तो स्पेसिफिक टॉपिक में है, वो पूरा चैप्टर है आपके लिए, तो इसलिए यहाँ पर उस पर एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. और फिर ये एडिशनल आपकी कैनामाइसिन एंड एमिकासिन विच आर अ पार्ट ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड फैमिली, देन योर फ्लोरोक्विनोलोन्स विच इज गोइंग टू इंक्लूड सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड लिवोफ्लॉक्सासिन, देन योर लिंजोलिड एंड रिफाब्यूटीन एंड रिफापेंटीन. और रिफाब्यूटीन और रिफापेंटीन के बारे में मैं ऑलरेडी ये बात मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर चुकी हूँ, जहाँ रिफैम्पिन लिखा है. अगर किसी ने मेरा सैटरडे वाला लेक्चर गौर से देखा हो तो मैंने रिफैम्पिन के साथ रिफामाइसिन की हेडिंग दी थी. रिफामाइसिन में तीन ड्रग्स इंक्लूडेड हैं, विच इंक्लूड्स योर रिफैम्पिन, रिफाब्यूटीन एंड देन योर रिफापेंटीन. रिफैम्पिन आपकी फर्स्ट लाइन में फॉल कर गई, वेयर एज आपकी रिफाब्यूटीन और रिफापेंटीन जो है वो सेकेंड लाइन में फॉल कर गई. And just reading through it, तो वही देखो, rifabutin is derived from rifamycin and is related to rifampin. तो इसकी बिटेल यहाँ पर पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आपने rifampin के अंदर ये चीजें discuss already कर ली हैं, वही सारी चीज इस पर reflect करेगी. The most interesting thing about your spectrum या clinical uses जो मैंने rifampin में बताया था कि anti-TB drugs में rifampin वो वाहिद family थी first line agents में जिसका अदर देन ट्यूबरकुलोसिस भी क्लिनिकल यूजेस प्रेजेंट है. कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस के प्रोफाइल एक्सेस में, कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस की कैरियर स्टेट को एलिमिनेट करने में, या कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस में इटसेल्फ एज अ सेकंड लाइन एजेंट. जैसे हमने प्रोस्थेटिक वॉल्व डिजीज और ऑस्टियोमेलाइटिस का नाम उस दिन पढ़ा था. सिमिलरली अगर हम एंटी टीबी के अंदर बात करें तो ये सिर्फ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट एक्टिव नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स और माइकोबैक्टीरियम फॉर्टुटम के साथ भी इसकी एक्टिविटी विजिबल है. ठीक है जी. इसके अलावा टीबी के अंदर भी बहुत सारी टाइप्स होती है ना, एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलस मेनिनजाइटिस, प्रोफाइल एक्सेस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, कॉन्टैक्ट ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस. कॉन्टैक्ट ट्रीटमेंट का क्या मतलब है जी? बैक टू द चैट बॉक्स अगेन. जी जी, किसी भी ऐसी प्रोलॉन्ग्ड इलनेस में या कंटेजियस डिजीज में स्पेसिफिकली हमें कॉन्टैक्ट ट्रीटमेंट भी करनी पड़ती है. अभी रिसेंटली COVID-19 जब स्टार्ट हुआ था तो प्राइमरी थेरेपी में हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के थ्रू ही मैनेज कर रहे थे ना डिजीज को. वो तो जब बाद में इतना क्लिनिकल आउटकम इतना रविशिंग किस्म का आ गया कि एवरीबडी वॉज इन्फेक्टेड, तो उसके बाद हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को छोड़ दिया. बट इनिशियली हम कॉन्टैक्ट ट्रीटमेंट के थ्रू चल रहे थे. व्हाट इज कॉन्टैक्ट ट्रीटमेंट? नो, इट्स नॉट सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट. एनीबडी एल्स? कम ऑन, डोंट हेजिटेट. क्लास है, यू आर एंटाइटल्ड टू गिव रॉन्ग आंसर्स. This is the best time when you are free to give wrong answers or say anything wrong you want. जब हम बड़े हो जाते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस में आ जाते हैं, तो फिर तो मुंह से निकला हुआ एक रॉन्ग वर्ड जो है उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होती है. नहीं बेटा, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है, मैंने कहा कॉन्टैक्ट ट्रीटमेंट. ओ माई गॉड, सो वी एक्चुअली हैव नो आइडिया ऑफ कॉन्टैक्ट ट्रीटमेंट. जब आपका एक टीबी का पेशेंट डायग्नोज होता है या किसी भी, मैंने कहा, कॉन्टेजियस डिजीज का पेशेंट डायग्नोज होता है, तो उसके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जो उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनको भी प्रोफाइलैक्टिकली ट्रीट किया जाता है. इसका सिम्टम्स से कोई लेना देना नहीं है. हम अज्यूम करते हैं कि अगर वो एक्टिवली डिजीज प्रेजेंट नहीं भी कर रहे तो वो माइनरली कहीं ना कहीं डिजीज कैरी कर रहे होंगे. या तो वो एसिम्टोमेटिक चल रहे हैं या फिर वो कैरियर स्टेट में चल रहे हैं. कैरियर स्टेट मीन्स, हाँ जी, कॉन्टैक्ट्स. That is what I have been saying all along. तो जब वो इस सारी सिचुएशन में चल रहे होंगे तो उनको प्रोफाइलैक्टिकली, आई होप वी नाउ नो वट इज प्रोफाइलैक्टिक. डू वी? वट इज प्रोफाइलैक्टिक? बेटा येस इज नॉट गोइंग टू वर्क. टेल मी द एग्जैक्ट आंसर. वट इज प्रोफाइलैक्टिक? हो सकता है किसी और को ना पता हो, तो आपके लिखने से उनकी हेल्प हो जाए. द पीपल हु हेजिटेट in asking questions. No, it's not shock.
थैंक यू अरीशा. प्रिवेंशन यानी एक्चुअल डिजीज नहीं हुई. सो यू सी स्टिल सो मेनी पीपल डोंट नो व्हाट इज प्रोफाइल एक्सेस एंड वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट प्रोफाइल एक्सेस फॉर सो मेनी मंथ्स. हम हर ड्रग के साथ आपको प्रोफाइल एक्सेस पढ़ा रहे होते हैं. अब तक तो ये टर्मिनोलॉजीज तो हमें अजबर होनी चाहिए बेटा. ट्रीटमेंट बिफोर डिजीज राइट. जब हम किसी डिजीज से बचने के लिए ट्रीटमेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोफाइल एक्सेस. क्योर या ट्रीटमेंट उसके बाद में आती है. तो अब कॉन्टैक्ट ट्रीटमेंट एक्चुअली प्रोफाइलेक्टिक इन नेचर होती है. जैसे हम जब देखते हैं कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमने कोरोना की भी की और बहुत से लोग अब जब देखते हैं कि हमने किसी कोविड पेशेंट के साथ कॉन्टैक्ट में आए हैं तो हम उसके लिए क्या प्रोफाइलेक्टिक मेजर लेते हैं. हम प्रोफाइलेक्टिकली क्वारंटाइन हो जाते हैं. आई हैव बीन गिविंग एग्जांपल्स ऑफ कोविड 19 बिकॉज दिस इज द हॉट टॉपिक नाउडेज एंड एवरीबॉडी इज एक्सपीरियंसिंग सम पार्ट ऑफ इट. तो उसके साथ कोरिलेट करना आसान है. ठीक है, अगर हमें सिमिलर क्योंकि कोरोना की तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है ना. अदरवाइज अगर ट्रीटमेंट होती तो हम प्रोफाइलेक्टिकली फैमिली को वो भी देना शुरू कर देते. अभी हम प्रोफाइलेक्टिकली क्या क्या ले रहे हैं कोरोना के साथ. वाइटामिन सी, वाइटामिन डी, इवन सो मेनी पीपल आई हैव एक्चुअली टेकिंग एजिथ्रोमाइसिन जिसका कोई प्रोफाइलेक्टिक रोल नहीं है लेकिन हम प्रोफाइलेक्टिकली एडवांस में वो भी खाना शुरू कर देते हैं. तो बेसिकली इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अ डिजीज. तो रिफैम्पिन के ऊपर वापस आते हैं कि जब हमें कोई टीबी का पेशेंट डायग्नोज होता है तो उसकी फैमिली में अज्यूमिंग दैट द फैमिली इज ऑल्सो कैरिंग सम पार्ट ऑफ टीबी एक्टिवली वो ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोज नहीं होगी उस पेशेंट में. आप टेस्ट भी करोगे तो नहीं होगी बट वी आर अफ्रेड कि वो कैरियर स्टेट में है, वो हिडन स्टेट में है, वो एसिम्प्टोमेटिक स्टेट में है. तो जस्ट उसको प्रोफाइलेक्टिकली हम रिफैम्पिन देना शुरू कर देते हैं ताकि वो ये ना हो कि एक पेशेंट ठीक हो और छह महीने बाद जो नया पेशेंट. हाँ बिल्कुल, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी हम प्रोफाइलेक्टिक ले रहे हैं. सही कह रहे हो आप. ठीक है, तो दिस इज हाउ प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट वर्क्स. प्लीज पीपल स्टार्ट लर्निंग दीज टर्मिनोलॉजीज एंड इफ बाय चांस यू डोंट नो देम फील फ्री टू आस्क. वरना मेरे बोलने का तो कोई फायदा ही नहीं है. अगर आपको प्रोफाइलेक्सिस के लफ्ज का मतलब नहीं आया तो मैं पूरी प्रोफाइलेक्सिस पढ़ा के चली जाऊं यहाँ पर, उसका क्या फायदा. ओके जी, रिफापेंटीन एग्जैक्ट वही सिनेरियो जो सारा हमने रिफाब्यूटीन और रिफामाइसिन में सबने पढ़ा था वही सारी स्टोरीज के साथ आएगी. वंस अगेन आई विल सजेस्ट कि आप बुक्स में इन पैराग्राफ्स को पढ़ने में टाइम वेस्ट करने की बजाय सिंपली अपने रिफैम्पिन के साथ मेंशन कर दो कि ये दो फर्स्ट लाइन दो सेकेंड लाइन एजेंट्स एग्जैक्टली रिफैम्पिन की तरह बिहेव करते हैं. नथिंग एल्स टू रिमेम्बर. ठीक है जी, वही स्टोरी जो पिछली डायग्राम में दिखाई थी. डायग्राम्स में सिर्फ इसलिए डालती हूँ कि वो आपकी अटेंशन कैच करने में हेल्प करती हैं. सम पीपल लर्न बेटर फ्रॉम द इमेजेस रादर देन फ्रॉम द टेक्स्ट इन द पैराग्राफ्स. सो यू कैन लुक एट दिस डायग्राम अगेन. वही सेल वॉल का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि ये पहले बाहर माइकोलिक एसिड है और फिर उसके बाद एरेबिनोग्लाइकेन है, फिर पेप्टाइडोग्लाइकेन है और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. इस तरह से वो माइकोलिक एसिड को आपकी आइसोनाइजेड और फिर आपके एराबिनोग्लाइकेन को आपकी इथैम्बिट्रोल जो है वो ब्लॉक कर रही होती है. और फॉर एग्जांपल अगर ये सारा प्रोसेस फेल हो गया है तो हम विद इन द सेल भी थेरेपी साथ कर रहे हैं. वी नीड कंप्लीट इरेडिकेशन. तो उसके बाद हम साथ साथ उसकी आरएनए सिंथेसिस को भी चेंज करेंगे, हम उसके डीएनए रेप्लिकेशन को भी इफेक्ट कर सकते हैं, हम उसकी राइबोसोमल और प्रोटीन सिंथेसिस को भी इफेक्ट कर सकते हैं. These are all the options we have to approach in treatment of tuberculosis. ये सारी बातें हमें करने की जरूरत नहीं है आपके साथ, so I'm going to skip that. Just look at this diagram. This is your basic regime. आपने ये सारी regimes याद नहीं करनी, सिर्फ top वाली के ऊपर focus करो. If you are giving only isoniazid and rifampin, तो सिर्फ टू ड्रग्स हम 9 months के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं. प्रीवियसली हमने यही सुना था ना कि 9 months का ड्यूरेशन है, बट जो लेटेस्ट थेरेपी है जो आजकल यूज हो रही है उसमें आपने याद रखना है आइसोनाइजिड, रिफैम्पिन एंड पाइराजिनामाइड एंड इथॉम्ब्यूटॉल. वो चारों ड्रग्स पहले 2 महीने और उसके बाद बाकी के 4 महीनों में सिर्फ आइसोनाइजिड एंड रिफैम्पिन. अगेन उसके लिए इजी वर्ड जो मैंने आपको भी बताया, 4 drugs for first 2 months and then 2 drugs for remaining 4 months. और जब आपको order of preference में आप drugs याद रखते हो तो आपको याद रहेगा कि isoniazid और rifampin क्योंकि सबसे ज्यादा important हैं, तो naturally हम उसी के बारे में पहले बात कर रहे हैं. And then a small paragraph about your leprosy. Leprosy आप सबको पता है, mycobacterium leprae is the causative agent of leprosy.
Fortunately enough, we have been able to eliminate leprosy almost altogether from the world. ठीक है, काफी हद तक, बल्कि ना पास्ट में अगर आप मेडिवल टाइम्स की मूवीज देखते हो जो 16th सेंचुरी में प्लेस्ड हैं या 17th सेंचुरी में प्लेस्ड हैं, तो उस वक्त लेप्रोसी, जिसको कोड़ का मर्ज कहा जाता है, वो बहुत कॉमन था. और नेचुरली वो बंदा जो है वो सोशल, फिर वो सोशली बिल्कुल डिस्टेंट उसको कर देते हैं, आइसोलेट कर दिया जाता है, बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड टू बी हाईली कंटेजियस. ठीक है ना, लेकिन अब रिसेंटली हमने उसको ऑलमोस्ट ट्रीट करके खत्म कर दिया है. Right? So, leprosy ke baare mein, you just need to have the basic information with you people that what is the causative agent. TB ke saath isko isse link karte hain kyunki humare topic is labeled as antimicrobacterial drugs. Right? So, antimicrobacterial drugs ki jab hum baat karenge, to first line agents mein aur jis saari humne jo details padhi hain, wo mycobacterium tuberculosis se related hain. TB bhi ab kafi had tak first world countries se eliminate hoti ja rahi hai. Even in a third world country like ours, TB काफी हद तक control हो गई है, because we have the appropriate treatment and people have started accepting tuberculosis as a disease. ठीक है, तो उसकी treatment साथ साथ चल रही है. But leprosy के केस में बच्चे, हमें drugs के नाम याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें MCQs के अंदर drugs जो हैं वो बहुत दफा पूछ ली जाती हैं. So the drug of first choice for your treatment of leprosy is always going to be dapsone. Dapsone is a sulfone. अभी मैं इसका exactly पूरा नाम भी आपको बताऊंगी, but for the sake of your MCQ, just remember, mycobacterium का लफ्ज पढ़ के फॉरन से TB पे जंप नहीं करना. mycobacteria के आगे वाले वर्ड को देख लेना है कि आगे mycobacterium avium लिखा है, mycobacterium lepri लिखा है, या mycobacterium tuberculosis लिखा है. क्योंकि जब MCQs आते हैं तो आपको कंफ्यूज करने के लिए mycobacterium lepri लिखा जाएगा, leprosy का डिजीज मेंशन नहीं होगा क्वेश्चन में. और नीचे जब ड्रग्स की बात होगी तो उसमें हमने एंटी टीबी एजेंट्स भी सारे मेंशन किए हुए होंगे, एंड वी विल एक्सपेक्ट यू टू जंप टू दैट एंटी टीबी ड्रग्स. तो आपने थोड़े तहम्मुल के साथ पूरे स्टेटमेंट को पढ़ के ये बात रियलाइज करनी है कि किस डिजीज की एक्चुअली बात हो रही है, और उस सिनेरियो में फिर आपने सेलेक्ट करनी है अपनी स्पेसिफिक ड्रग. सो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी, द ड्रग ऑफ चॉइस हमेशा उसको कहते हैं जो सबसे पहले दी जाती है. अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि रिफैम्पिन भी दे सकते हैं. क्लोफेजिमिन इज आल्सो अ न्यू ड्रग व्हिच इज बीइंग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी. लेकिन जब भी ड्रग ऑफ चॉइस की बात होगी, ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस की बात होगी, तो स्टिल वी आर सेइंग दैट डैप्सोन इज द ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस. एंड व्हाट एग्जैक्टली इज डैप्सोन? डैप्सोन इज डायअमाइनो डायफिनाइल सल्फोन. इस डायअमाइनो डायफिनाइल सल्फोन को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करके डैप्सोन का नाम दे दिया. Is it clear? जब भी leprosy का नाम दिमाग में आए तो dapsone, या जहां पर भी dapsone लिखा हुआ पढ़ो तो फौरन से दिमाग में क्या आना चाहिए? leprosy. तो ये दोनों चीजों को आपस में आपने linked रखना. अब since this is a sulfone, तो sulfonamide जब आप पढ़ोगे तो आपने वहां पे exactly detail में पढ़ोगे कि sulfonamide किस तरह से DNA synthesis को या metabolism को affect कर रहे होते हैं, किस तरह folic acid synthesis के steps हैं जिनको actually sulfonamides inhibit करते हैं. Exact वही चीज सही वाला सल्फोन भी करेगा. जो स्ट्रक्चरली सिमिलर ड्रग्स होती हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी सिमिलर होता है, बिकॉज बॉडी के अंदर कोई अटेंडेंस का सिस्टम नहीं है कि बॉडी को पता चलेगा कि आइसोनाइजर आई है तो ओके फाइन कम हियर. बॉडी ऑलवेज रिकॉग्नाइजेस द ड्रग विद रेलेवेंस टू द स्ट्रक्चर. सिमिलरली ड्रग भी जो है वो अपना टारगेट साइट पे स्ट्रक्चर के साथ इफेक्ट होती है. हम बायो में लॉक एंड की मॉडल पढ़ के आए थे ना, तो आपका उसमें क्या रेलेवेंस हमने पढ़ी थी? स्ट्रक्चरल रेलेवेंस. आपकी ड्रग में और आपके टारगेट साइट के अंदर एक स्ट्रक्चरल रेलेवेंस होती है जो रिकॉग्नाइज करती है कि अच्छा यहां पर इसने एक्ट करना है, यहां पर इसने आके. आई विल रिपीट इट इन अ सेकंड, जस्ट वेट. सो डैप्सोन इज बेसिकली अ स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड. दिस मीन्स कि ये कॉम्पिटेटिवली इनहिबिट करता है डायहाइड्रोटीरोएट सिंथेस. डायहाइड्रोटीरोएट सिंथेस जो है ये फॉलिक एसिड सिंथेसिस का एंजाइम है जिसने एक्चुअली पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड पे एक्ट करना होता है. हमने क्या चालाकी की कि हमने डैप्सोन की शक्ल में या सल्फोनामाइड्स की शक्ल में एक पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड जैसी चीज बॉडी में डाल दी. अब बॉडी में जो आपका डायहाइड्रोटीरोएट सिंथेस एंजाइम है, मैं फिर वही बात करूंगी कि उसकी आंखें नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो सिर्फ स्ट्रक्चरल रेलेवेंस के साथ अपने टारगेट को अटैच करता है. तो उसको जब डैप्सोन मिलेगी तो वो डैप्सोन को भी पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड की तरह रीड करेगा
और पैरामिनोबेंजोइक एसिड की बजाय डैप्सोन के साथ अटैच हो जाएगा. इज इट क्लियर? तो अगर वो एक्चुअल पैरामिनोबेंजोइक एसिड के साथ अटैच होता तो फोलिक एसिड सिंथेसाइज होता, लेकिन क्योंकि उसको हमने नकली पैरामिनोबेंजोइक एसिड दे दिया है तो इस सिनेरियो में फर्दर फोलिक एसिड सिंथेसिस जो है वो इनहिबिट हो जाएगा. डैप्सोन में ये स्पेसिफिक फीचर है कि ये एंटीबैक्टीरियल के तौर पे भी एक्ट कर सकती है, टू सम एक्सटेंट एंटी प्रोटोजोअल भी और एंटी फंगल भी, बट ये सब सेकेंडरी बातें हैं. इसको प्राइमरीली हमने अगर कभी याद रखना है तो सिर्फ लेप्रोसी के साथ याद रखना. लेप्रोसी बेटा, मैंने अपनी अभी जिसने क्वेश्चन किया है, मैंने यही कहा कि लेप्रोसी यूज्ड टू बी अ वेरी कॉमन डिजीज जिसको हम कोड का मर्ज कहा करते हैं. ठीक है, ये स्किन के साथ बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रेलेवेंस है. लेप्रोसी के जो मैनिफेस्टेशन है वो यूजली स्किन डिजीज के साथ होती है और काफी सिवियर स्किन डिजीज के साथ होती है. सिनेरियो एसिड सिनेरियो आपको नहीं आएगा, लेकिन जब आपको क्वेश्चन आता है तो माइकोबैक्टीरियम के साथ आगे उसका सेकेंड पार्ट पढ़ना जरूरी है. जो मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि क्वेश्चन में माइकोबैक्टीरियम दिमाग में क्लिक कर जाता है, ऑप्शंस में आइसोनियाज़िड और पाइराज़िनेमाइड भी लिखी हुई होंगी, तो फौरन से आप टीबी को आइडियलाइज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो. तो जब क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको फाइनल डायग्नोसिस क्वेश्चन में दिया हो, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में लेप्रोसी का वर्ड यूज हुआ हो या ट्यूबरकुलोसिस का वर्ड यूज हुआ हो, वो सिंपली ये भी कह सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज एक्टिव अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम. आगे लेप्री लिखा हुआ है, आपने माइकोबैक्टीरियम पढ़ा, आपके ब्रेन ने उसको ऑटोमेटिकली ट्यूबरकुलोसिस के साथ रीड कर लिया, लेप्री पे फोकस ही नहीं किया, और इसीलिए ऑप्शंस में डैप्सोन आपको नजर ही नहीं आई और आप आइसोनियाज़िड को सिलेक्ट करके आ गए, एंड दिस मींस दैट यू हैव मेड अ ब्लंडर. तो सिनेरियो को या स्टेटमेंट को तहम्मुल के साथ एक दफा पढ़ना है. अगर माइकोबैक्टीरियम के साथ लेप्री का वर्ड यूज हुआ है, दिस मींस दे आर टॉकिंग अबाउट लेप्रोसी. And when they are talking about leprosy, then drug of first choice is dapsone. उसके साथ दूसरी जो आपने याद रखनी है वो clofazimine है. And then आपने जो तीसरी drug उसमें याद रखनी है वो आपकी DRS rifampin है. Rifampin is the drug which is common to almost all the mycobacteria. ये TB में भी पढ़ी हमने, ये leprosy में भी पढ़ी हमने, leprosy में ये हम mycobacterium avium complex की treatment में भी याद रखते हैं. Is that clear? Any questions so far? Great. Just for your ease, I don't remember कि आपका सल्फोनामाइड रिकवर हुआ है या कमिंग वीक में कवर होना है. इन आइदर केस आपको आइडिया होना चाहिए कि आपके सल्फोनामाइड कैसे एक्ट करते हैं, या फिर इन दिस केस आपके डैप्सोन ने कैसे एक्ट करना है. ये आपका पैरामिनोबेंजोइक एसिड है जो कि डाइहाइड्रोटीरोएट सिंथेस की प्रेजेंस में डाइहाइड्रोटीरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, विच इज देन अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू डाइहाइड्रोफोलिक एसिड, जिसे हम फर्दर कन्वर्ट करते हैं टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड के अंदर, जो हमारा फाइनल फोलिक एसिड होता है. एंड दिस फोलिक एसिड इज अ कंपोनेंट ऑफ डीएनए सिंथेसिस. ये जो प्यूरीन और पिरिमिडीन सिंथेसिस, ये देखो ये साइकिल में साथ शो हो रही हैं. इस प्यूरीन और पिरिमिडीन सिंथेसिस में हमें जो चीज चाहिए होती है वो है फोलिक एसिड, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड. फाइन, तो इसका मतलब है कि इस प्यूरीन सिंथेसिस के लिए या पिरिमिडीन सिंथेसिस के लिए पहले फोलिक एसिड की सिंथेसिस बहुत जरूरी है. तो अगर हमने डैप्सोन देके या सल्फोनामाइड्स देके इस फोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट कर दिया तो नेचुरली प्यूरीन और पिरिमिडीन सिंथेसिस इनहिबिट हो गई. प्यूरीन पिरिमिडीन सिंथेसिस की इनहिबिशन का मतलब है कि डीएनए सीक्वेंसिंग ब्लॉक हो गई है, डीएनए सिंथेसिस खत्म हो गया. इज इट क्लियर? ये हर बैक्टीरिया में होता है, चाहे माइकोबैक्टीरिया की बात कर रहे हो, चाहे आप स्टेफिलोकोकस ऑरियस की बात करो, चाहे स्ट्रेप्टोकोकाई की बात करो, सबके अंदर डीएनए मौजूद है ना. इवन हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे अंदर भी इसी प्रोसेस से आपकी प्यूरीन पिरिमिडीन सिंथेसिस हो रही होती है. इसकी फोलिक एसिड जो है वो हमारे लिए भी बहुत जरूरी होता है. क्योंकि डैप्सोन के अंदर भी मैंने कहा था एडिशनल आपके पास क्लिनिकल यूजेस हैं, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लिनिकल यूजेस याद रखना है कि सबसे पहले तो ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री की ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है या लेप्रोसी में. इसके अलावा ये प्लाज्मोडियम फल्सीपेरम, जो कि आपके मलेरिया का एक पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, उसको भी कंट्रोल करने में यूज होते हैं. जब आप मलेरिया पढ़ रहे होंगे या पढ़ोगे फ्यूचर में, तो वहां पे भी आप देखेंगे पहले फेंसीडार जो ड्रग हम लिया करते थे वो सल्फोनामाइड्स के कॉम्बिनेशन से बनती थी. तो सल्फोनामाइड्स एक्चुअली जो है वो मलेरिया के लिए भी यूज होती हैं, वो बैक्टीरियल डिजीजेस के लिए भी यूज होती हैं, और वो
यहाँ पर आपके टीबी के अंदर भी, सॉरी लेप्रोसी के अंदर भी यूज हो रही है. एंड देन योर नीमोसिस्टिक जिरोविट्सी इन्फेक्शन, ये भी जब आप सल्फोनामाइड्स पढ़ोगे तो वहां पर यही सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होगा जो आपने सल्फोनामाइड्स में याद रखना है, क्योंकि जो हमारे टिपिकल बैक्टीरिया हैं उनके लिए हमारे पास सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स और इस तरह की ड्रग्स ऑलरेडी मौजूद है. सल्फोनामाइड्स अब ये कुछ साइड के डिजीजेस के लिए रह गई हैं, अदरवाइज प्राइमरली उनकी सिग्निफिकेंस काफी हद तक कम हो गई है. राइट, एंड दिस इज ऑलमोस्ट द एंड ऑफ योर टॉपिक. Just the earn towards effects are left, right? Anti-inflammatory है, details में जाने की कोई जरूरत नहीं है कि actually क्या हो रहा है, सिर्फ आपने उसके adverse effects याद रखने हैं. Severe hemolysis हो सकता है, specifically genetically predetermined patients ने जिनमें glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency होती है. हर एक के अंदर hemolysis नहीं होता है, इसका मतलब है कि ये genetic predisposition है. Similarly मेथीमोग्लोबिनीमिया हो सकता है, हाइडेक, नर्वसनेस, इंसोमनिया, ब्लर्ड विजन कॉमन से एडवर्स इफेक्ट्स हैं, कोई एज सच स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट यहाँ पर नहीं आया. पैरेस्थीजियाज हो सकते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हीमाचूरिया, प्रुराइटस, साइकोसिस एंड वेराइटी ऑफ अदर स्किन डिजीजेस. राइट, अच्छा, डिक्लोफेजामीन के साथ उन्होंने ऑर्फन ड्रग का वर्ड यूज किया. किसी को याद है कि ऑर्फन ड्रग क्या होती है? डैप्जोन जो है ना वो तो और बहुत सारे काम कर रही है. ठीक है, ओके, आई हैव सम आंसर, लेट मी सी. जी क्या होती है? बिल्कुल सही हो गया, यूज्ड फॉर रेयर डिजीज. बेचारी गरीब यतीम ड्रग, ऐसी ड्रग जिसकी पैदाइश पे ज्यादा मुश्किल पेश आ रही है, ज्यादा अखराजात आ रहे हैं और उसकी कंजम्पशन कम है. ठीक है, एग्जैक्टली, द ड्रग फॉर रेयर डिजीजेज इज कॉल्ड ऑर्फन ड्रग. अब अगर हम डैप्सोन की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया है कि डैप्सोन लेप्रोसी के अलावा तीन चार और डिजीज में भी यूज हो सकती है, चाहे वो प्लाज्मोडियम के डिजीजेस हो, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो. इसका मतलब है कि उसकी कंजम्पशन ज्यादा है, उसकी यूजेस ज्यादा है. क्लोफेजामीन रिसेंटली आई है लेप्रोसी के लिए, रिसेंट मीन्स के न्यूअर देन डैप्सोन. लेकिन इसकी बुरी बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ लेप्रोसी के लिए लिमिटेड है. और हमने अभी ये बात की कि लेप्रोसी ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो चुकी है दुनिया से. वन ऑफ द डिजीजेज जिसको तकरीबन एलिमिनेट कर लिया गया है, कुछ रेयर केसेस अभी भी रिपोर्ट हो रहे होते हैं, बट मेजॉरिटी एरिया से हमने इसको एलिमिनेट कर दिया. तो अब नेचुरली अगर इसकी कंजम्पशन बहुत कम है तो दिस इज कॉल्ड एन ऑर्फन ड्रग, जो हमारे पास मौजूद जरूर है, लेकिन जाहिर है किसी भी ड्रग की प्रोडक्शन के पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी होती है. ऑलमोस्ट 10 to 15 ईयर्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, प्लस फिर नेचुरली जब हम उसको प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी एक प्रोडक्शन कॉस्ट भी आती है. और उसकी वेयरहेज अगर कंजम्पशन आगे बिल्कुल कम हो तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट सारी वेस्ट हो जाती है. तो दैट ड्रग इज टर्म्ड एज एन ऑर्फन ड्रग. वरना अगर हम पैनाडोल की बात करें तो वो आप खुद देखोगे कि उसकी कंजम्पशन इतनी ज्यादा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो उसको बड़े आराम से कवर अप कर लेती है. यही वजह है कि जो कॉमन ड्रग्स होती हैं, जो कॉमनली यूज डिजीजेस के लिए होती हैं, आप देखोगे कि यूजुअली उनकी प्राइस बहुत कम होती है. ठीक है, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बहुत इजीली मीट हो जाती है उसकी कंजम्पशन के साथ. वेयर एज द ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर रेयर डिजीजेस तो वो यूजुअली एक्सपेंसिव भी होती हैं और मुश्किल से भी मिलती हैं. आई होप वी आर क्लियर अबाउट एवरीथिंग रिगार्डिंग योर एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स. राइट, एनी क्वेश्चन? इफ एनीबडी हैज अ क्वेश्चन यू कैन आस्क. वी स्टिल हैव 1 मिनट, लास्ट प्रेशियस 1 मिनट. And I hope you are preparing well for your test on the Saturday. Please, for once, perform good in your test. We are tired of seeing very poor performances in test. Yes, you should study from Lippincott. There is no question about that. Dr. Najma has repeatedly ask two people to use Lippincott and Lippincott is fair enough, but beta main jo baat bar bar aapko keh rahi hu ki chahe aap Lippincott use karo, chahe aap Catzin use karo, hamesha ye baat yaad rakho ki ye books dental students ke liye nahi banayi gayi. Unfortunately dental students ke liye koi bhi specific pharmacology ki book nahi banayi gayi. To aapne agar in books ko use karna hai to aapne smart study karna hai. Smart study means ki aapne ye decide karna hai with the help of lectures ki aapne kis topic mein se kitna content jo hai वो रीड करना है और कितना कंटेंट रिटेन करना है. क्योंकि जब आप सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हो तो फिर आधी सो सारी को जाए और आधी मिले ना सारी पाए हो जाता है. फिर आप बिल्कुल
बैड परफॉर्मेंस शो करते हो, और मेरे हिसाब से आपकी बायोकेमिस्ट्री भी लास्ट ईयर पुअर परफॉर्मेंस की यही रीजन थी. यू वर टॉट एवरीथिंग, यू स्टडीड एवरीथिंग एंड यू एंडेड अप डूइंग नथिंग. ठीक है, सो स्टडी स्मार्ट एंड ऑब्वियसली यू कैन आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट वेन एवर यू वॉन्ट, क्लास चैनल्स के थ्रू भी, पर्सनली भी. ऑल आई वॉन्ट इज अ गुड रिजल्ट दिस ईयर. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.